कि मैं समझता हूँ स्टेट बैंक के गवर्नर को इसको देखने की जरूरत है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं इकोनॉमी को और रुपी को और इंटरेस्ट रेट को। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से रुपी में वीकनेस आ रही है, नहीं आनी चाहिए। नहीं, जिस तरह पाकिस्तान के कोई भी चीज ऐसी मुझे नहीं दिख रही जो नेगेटिव हो, चाहे वो करंट अकाउंट हो, चाहे वो ट्रेड डेफिसिट हो, चाहे बिजनेस एक्टिविटीज हो। हाँ, थोड़ा बहुत स्पेंडिंग बढ़ी है, तो स्पेंडिंग बढ़ने की वजूहत भी सामने है और आपके रिजर्व में मतलब कोई फर्क नहीं आ रहा। फिर आपका ये है कि एक्सपोर्ट के नंबर आपके बहुत अच्छे हैं, आपके रिमिटेंस के नंबर बहुत अच्छे हैं, फिर आपके यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ भी पैसा आना शुरू हुआ है, फिर आपके रोशन डिजिटल अकाउंट में भी $2 बिलियन आप क्रॉस कर गए, जो कि कल पीएम हाउस में परसों फंक्शन भी रखा गया है। तो ये सारी खुशी वाली बातें हैं, इसमें ये गमी कहाँ से ले आ जाते हैं कि रुपी वीक हो गया। इस चीज को इनको रोकने की जरूरत है और ये पैसा जो इनके रिजर्व में पड़ा है, और अगर कोई रुपी में ज्यादा खेलने की कोशिश कर रहा है तो स्टेट बैंक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको रोके, कोई स्पेकुलेटर को अपने सर के सवार ना होने दे। तो इसमें आप मकसद है कि ये बैंकों को कंट्रोल की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ये ना समझें कि नए पाकिस्तान के लिए वो लोन दे रहे हैं तो वो उनको खुली छुट्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत है। रुपी की वीकनेस फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम दे देगी, आपकी इम्पोर्ट महंगी हो जाएगी, आपकी कॉमोडिटीज महंगी होगी, कॉमोडिटीज महंगी होने के साथ फिर आपके जारी बात है इन्फ्लेशन के नंबर ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, वही चीज आपके इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा देगी। तो ये सारा जो आप इस पर पॉजिटिव स्टेप है वो उलट हो सकता है।